वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। 1990s के ड्रामों के बाद थोड़ा सा और पीछे की तरफ चलते हैं, यानी हमारे पेरेंट्स के दौर के जो ड्रामे थे उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिस्ट में लेकर आते हैं, जहाँ पे वाकई सड़कें वीरान होती थीं। 1966 से लेकर 1990 तक के दिल को छू जाने वाले ड्रामे आपके सामने मैं पेश करती हूँ। ड्रामों की लिस्ट से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि PTV चैनल 26 नवंबर 1964 में बनाया गया था, और 1966 से लेकर 1990 तक के ड्रामों की लिस्ट आप लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले आता है तालीमे बालिगा। ये 1966 में ड्रामा बनाया गया था, जो कि अपने दौर का बहुत मशहूर ड्रामा था, जिसको देखने के लिए सड़कें वीरान भी होती थीं और हर घर में टेलीविज़न भी नहीं होता था, तो इकट्ठे बैठ के एक जगह पर देखा जाता था। उसके बाद आया जी खुदा की बस्ती। खुदा की बस्ती 1969 से लेकर 1974 तक ये चला था, और ये वो ड्रामा था जिसके बारे में मैंने अपने दादाजी से और अपने अब्बा हजूर से, इन लोगों से मैंने सुना है कि ये बहुत मशहूर ड्रामा गया था। उसके बाद यह सॉरी ड्रामा 1970s में आया था, और आप लोग देख सकते हैं ये एक ब्लैक एंड वाइट ड्रामा लग रहा है मुझे। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा, जो लोग इस दौर से हैं या फिर जिन्होंने अपने बाप दादा से ये वाली ड्रामों के बारे में सुना हुआ है। देन अलिफ नून 1971 में आया, और इसके बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन कुछ ऐसे इस दौर के ड्रामे हैं जो वाकई हम कह सकते हैं कि भाई आज भी हम सुनते आ रहे हैं, तो ये ड्रामा भी अपने दौर का एक अच्छा ड्रामा लग रहा है मुझे। अंकल उर्फी 1972 में ड्रामा आया, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मे बी ये एक नॉर्मल ड्रामा होगा, क्योंकि उस दौर में सिर्फ PTV हुआ करता था, तो इसलिए सब ड्रामे ही जो है ना वो फेमस हो जाया करते थे, लेकिन कुछ ड्रामे उनमें बहुत फेमस थे। उस दौर का सबसे मशहूर तरीन ड्रामा वारिस ड्रामा, जो 1980 में आया था, जिसके बारे में मुझे बहुत सारे हमारे बड़ों ने बताया कि ये वो वाहिद ड्रामा था कि वाकई सड़कें वीरान होती थीं, और सब लोग ना एक ख़ास टाइम होता था 8 बजे मेरा ख्याल है, तो उसमें सब लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। देन 1982 में रिलीज़ हुआ था, और ये मुझे थोड़ा सा फ़नी ड्रामा लग रहा है आई गेस। अनकही ड्रामा 1982 में आया, इसके बारे में भी मैंने अपने बड़ों से सुना तो है, लेकिन जिस तरह से मैंने वारिस ड्रामे के बारे में इतनी तारीफें सुनी हैं, इस तरह से शायद मैंने इसके बारे में नहीं सुना, बाकी आप लोग भी मुझे बता सकते हैं। सोना चांदी 1983 में आया था, मुझे याद पड़ता है कि ये मेरे दौर में भी लगता था, ये मैंने देखा है, क्योंकि जब मैंने इनके कैरेक्टर्स को मैं सर्च कर रही थी तो मुझे इनको इनकी शक्लें देखकर मुझे याद आया कि ये मेरे दौर का भी है, आई गेस ये दोबारा भी रिपीट किया गया था। अंधेरा उजाला 1984 से 1985 तक बनाया गया था, ये हालिया में भी इन्होंने दोबारा बनाया, जिसमें दानिश तैमूर भी हैं। एक और ड्रामा जो अपने दौर का बहुत ही मशहूर ड्रामा रहा है, तन्हाइयाँ, इसके बारे में भी मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, और एक बार मैंने इसको पूरा देखा भी है, नो डाउट ये बहुत अच्छा ड्रामा गया है। फिर उसके बाद आया था ख्वाजा एंड सन्स 1985 में, इसके बारे में भी मैं बहुत बेहतर या अच्छी तरह से नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है तो ज़रूर बताइएगा। चले जी बढ़ते हैं एक और बहुत मशहूर ड्रामे की तरफ, धूप किनारे 1987 में बनाया गया था, जो वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है लेकिन कुछ यादें जो हैं वो इंसान की रह जाती हैं। जब आप लोग ये ड्रामे देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर याद आएगा अपना पास्ट।
आंगन टेढ़ा ड्रामा 1987 में बनाया गया था। ये भी अपने दौर का बहुत मशहूर ड्रामा है। ये वो ड्रामे हैं दरअसल जो मतलब एक ही चैनल पे लगा करते थे, इसलिए भी बहुत यादगार है हमारे लिए, मतलब हमारे बड़ों के लिए, और हम उन्हीं से सुनते आ रहे हैं। जंग लूज ड्रामा 1989 में आया था, और हर ड्रामा ही तकरीबन अहमियत का हामिल है और सभी तारीफ़ के लायक हैं। जो डायरेक्टर, जो भी राइटर, जो प्रोड्यूसर हुआ करते थे, उनको सलाम मेरी तरफ से। लास्ट में 1990 में ये ड्रामा बना था, और इसका एग्जैक्ट जो है वो मुझे सही तरह से समझ नहीं आ सका, लेकिन ये भी अपने दौर का एक अच्छा ड्रामा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई YouTube वीडियोज़।